हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर ऑन जिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज मैं फिर से आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूं जिस यूनिवर्सिटी के अंदर BPES कोर्स चलता है। और आप सब लोगों को पता है BPES, BSc फिजिकल एजुकेशन, BPED, BSc योगिक साइंस, NCC, जो आफ्टर ट्वेल्थ की हम बात करें, जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, चाहे वो 4 ईयर का प्रोग्राम हो चाहे वो 3 ईयर का प्रोग्राम हो, तो उसके फॉर्म आ चुके हैं। बट मैं आपको एक और ऐसी यूनिवर्सिटी बताने वाला हूँ, यह यूनिवर्सिटी उन खिलाड़ियों के लिए है जो नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ी हैं। तो वो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मणिपुर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर BPES कोर्स चलता है, जो कि आप सब लोगों को पता है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। कुछ ही यूनिवर्सिटी हैं जो जानी मानी हैं, जिनको हम जानते हैं, बट कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते। हमें पता ही नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स चलते हैं। तो BPES की मैं बात करूं, इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करा रही है, CVT करा रही है, ये फर्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेट कर रही है मणिपुर यूनिवर्सिटी की हम बात करें, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैंने आपको बार बार बताया है कि CVT की जो एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट और अप्लाई डेट है वो सारी यूनिवर्सिटियों की है। बट मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि मैं आपको 1x1 कर इंडिया की एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताऊंगा जिनमें हमारे कोर्स चलते हैं, हमारे मींस हमारे फील्ड से। जैसे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस की हम बात करें, जैसे BPES, BPED, BPED 2 ईयर प्रोग्राम, BSc फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जितने भी ये कोर्स चलते हैं इन कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1x1 कर मैं आपको बताऊंगा। तो मणिपुर यूनिवर्सिटी जो है पार्टिसिपेट कर रही है CVT में, और इसमें BPES कोर्स चलता है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ उन खिलाड़ियों के लिए बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि हिल स्टेशन पर जो नॉर्थ ईस्ट वाले खिलाड़ी हैं। तो बात करते हैं इंफॉर्मेशन कि इसकी अप्लाई डेट कब है। तो मैंने आपको बताया कि 9 से स्टार्ट हो चुके थे, मैं बिजी था इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं लेकर आ रहा था आपके बीच में। अब मैं लगातार आपके बीच में वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बात करें लास्ट डेट कब है अप्लाई की, तो लास्ट डेट आपकी 12 मार्च है। 12 मार्च से पहले इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे और अपनी तैयारी में लग जाएंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि लास्ट डेट बच्चे ही तम कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, सर्वर डाउन हो जाएगा तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। लास्ट डेट हम पेमेंट की बात करते हैं, तो 12 मार्च को आपको पेमेंट करना होगा। ये आपका लास्ट डेट है जो है पेमेंट करने का, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं, पेमेंट करना भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से ही फॉर्म रह जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि करेक्शन डेट। ये करेक्शन डेट को आपको फोकस करना होगा कि जैसे कि हम बात करें, किसी का मोबाइल नंबर गलत पड़ गया, किसी ने एड्रेस गलत भर दिया, किसी का नाम गलत हो गया, अब उसको करेक्ट कैसे करें। तो जब कोई भी अगर आपके फॉर्म के जब फॉर्म भरते हैं और उस दौरान आपकी कोई भी गलती हो जाती है, तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, आपकी साल पीछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो सोच समझ के फॉर्म फिलअप करेंगे, और 15-18 को मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा जब विंडो ओपन होगी, कि ये विंडो ओपन हो चुकी है करेक्शन के लिए, तो आप परेशान नहीं होंगे, आप बस यूट्यूब को एक एक वीडियो को देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे मेरे को। उसके बाद मैं बात करूँ एग्ज़ाम कब होगा BPES का, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हम बात करें, तो 21 से लेके 31 के बीच में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा मई में। तो आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं, तैयारी में लग सकते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं बात करूँ एडमिट कार्ड, तो 2 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको बता दूंगा, एडमिट कार्ड रिलीज होने वाले हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस यूट्यूब की एक ही वीडियो को आप देखते रहें, सुनते रहें। उसके बाद रिजल्ट की हम बात करें, तो सब लोगों को पता है एग्ज़ाम के विद इन 15 या 1 मंथ के अंदर जो है आपका रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि फॉर्म राइट टाइम पर फिलअप कर दें और राइट टाइम पर अपनी तैयारी में लग जाएं। ये मणिपुर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट के जितने भी खिलाड़ी हैं, छात्र हैं उनके लिए, क्योंकि हम बात करें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, MP, राजस्थान, तो इधर के जो लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट जाना थोड़ा सा उनके लिए टफ हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, डेंसिटी चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है। बट ये यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर नॉर्थ ईस्ट में जो है कौन सी यूनिवर्सिटी में BPES कोर्स चलता है। जैसे कि मेरे पास कई लोगों ने कॉल किया कि सर जम्मू कश्मीर में कौन सी यूनिवर्सिटीज में BPES कोर्स और BPED कोर्स चलते हैं, तो जल्दी मैं जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कोर्स चलाती है और अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, जय हिंद।
कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए टारगेट एकेडमी को और करें अपने BPED और MPED का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।